लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी के चलते सभी दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। यूपी में एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी का सफाया करने की बात कह रहा है, वहीं बीजेपी ने मिशन 80 के तहत क्लस्टर बैठकें कर रही है और प्रयागराज की ऐसी ही क्लस्टर बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर चुन चुन कर सियासी तीर छोड़े। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यूपी में मिलकर चुनाव लड़ रहे दो लड़के दिन में अगर सपने देख रहे हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है। दिन में सपने देखते पर कोई बंदिश है क्या? यूपी के लड़के तो पहले भी साथ आए थे, फिर बहन भी आई थी, क्या हुआ? ये देश बदल गया, दुनिया बदल गई, हिंदुस्तान की जनता बदल गई, उन्होंने मोदी जी का काम देखा है। इसलिए ये तो वो लोग हैं कि वोट बैंक के लिए इतना परेशान रहे कि उचित निमंत्रण मिलने के बाद भी प्रभु राम का दर्शन करने नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा के समय, तो और क्या बोले। प्रयागराज में पार्टी की क्लस्टर बैठक में समीक्षा करने पहुंचे रविशंकर प्रसाद ने सीएए का विरोध कर रही टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो रोहिंग्या को भारत में बसाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो निमंत्रण देने पर भी राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए। देखिए सीए, आज मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बताया है सीए किसी भी भारत के नागरिक से उसके नागरिकता के अधिकार नहीं छीनता, वो किसी को नागरिकता भारत के लोगों को देता भी नहीं है। सीए एकमात्र संबंधित है ऐसे प्रताड़ित लोग जो अपनी आस्था के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए, यानी हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, तो वो कई वर्षों से यहाँ पड़े हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान रखता है। ये मानवीय दृष्टिकोण से भारत के संस्कार संस्कृति के अनुसार उचित है। जो विरोध कर रहे हैं ये लोग वही लोग हैं जो रोहिंग्या को भारत में बसाने की बात करते हैं, याद करिए। और चाहे वो ममता जी हो या अखिलेश यादव हो या वामपंथी हो या कांग्रेसी हो, ये लोग सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से इसका विरोध कर रहे हैं। ये वही मानसिकता है कि प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिलने पर भी नहीं गए और आज उनका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीतेगा, बावजूद इसके पार्टी एक एक क्लस्टर में जाकर अपनी तैयारियों की समीक्षा कर रही है, ये केवल मोदी सरकार ही कर सकती है। तो आप प्रतीक्षा करिए ना, बहुत पहले हो जाएगा। और इस बार आप चार की बात करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हम जीतेंगे और देश में 400 जीतेंगे। बता दें रविशंकर प्रसाद ने माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा पर बयान देते हुए कहा कि फैसला कोर्ट का है लेकिन ताकत बीजेपी की है।